दोस्तों पिन कोड, जी हाँ, आप पोस्ट जब लिखते थे, अभी तो ईमेल आ गया तो पोस्ट का तो भूल गए होंगे कि पोस्ट कोड में पिन कोड क्या मतलब है। जो पहले के लोग थे वो जानते थे कि पिन कोड के हिसाब से पूरा चलता था पोस्ट कार्ड। अभी जो नया जनरेशन है उसको तो मेल आ गया, व्हाट्सअप आ गया, तो पोस्ट का देखा भी नहीं हुआ पीछे लोगों ने। अगर आपने पोस्ट कार्ड लिखा है तो कमेंट करें, अगर पोस्ट नहीं दिखा है अभी तक कोई देखा नहीं है तो को भी कमेंट करें। पिन कोड जो है 50 अगस्त 1972 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो 6 डिजिट का होता है। उससे मालूम हो जाता है पूरे पेन इंडिया में आप ये 6 डिजिट से मालूम हो सकता है कि आपका लोकेशन कहाँ का है। जी हाँ, जब आप पोस्ट कार्ड लिखते हो तो पिन डालते हो, 6 डिजिट का होता है। उसका बाइफर्सिगेशन की बात, कोड जो है पूरे भारत से 9 रीजन से हुआ है। 8 रीजन जो है वो वेस्ट, साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट, दोनों का दो दो, और एक जो है 9 रीजनल जो गवर्नमेंट आर्मी के लिए रिजर्व रखा है। तो ये जो 8 रीजन है उसके लिए सब डिवीजन है, मतलब कि आपका दो पहला 2 डिजिट जो है कोड जो है वो, उसमें से बात करें तो फर्स्ट 2 डिजिट से मालूम हो जाता है कि ये कौन से स्टेट का है। उसके बाद जो 2 डिजिट आता है वो सब रीजनल होता है कि इसी स्टेट में कोई स्टेट, चाहे हम मुंबई है तो मुंबई, पुणे, नागपुर कहाँ का है उसी एरिया का मालूम होता है। और उसके लास्ट 2 डिजिट है वो आपको डिलीवरी पोस्ट ऑफिस का होता है, फर्स्ट 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आपको पूरा जनरेट होता है। कि मान लीजिए कि मेरा पिन कोड है 365640, 3 मतलब गुजरात का हुआ, 36 मतलब गुजरात का, 56 मतलब अमरेली का हुआ, और 640 जो है वो हमारा हुआ एरिया, रीजनल एरिया जो होता है उसी हिसाब से होता है। तो आपको पोस्ट आसानी मिल सकता है। तो ऐसे पूरा सिस्टम काम करता है हमारे भारत की पिन कोड सिस्टम। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें। पैन कार्ड, CIN नंबर, आधार कार्ड के लिए जानना है तो भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो।